साउथ वर्सेस बॉलीवुड की डिबेट में पीयूष मिश्रा ने लगाई बॉलीवुड की क्लास, कहा साउथ के डायरेक्टर ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड नजर में आपका स्वागत है। साल 2022 में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के KGF चैप्टर 2, RRR और विक्रम जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। वहीं बॉलीवुड की बिग बजट फिल्में जैसे कि शमशेरा, सम्राट, पृथ्वीराज और बच्चन पांडे बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। ऐसे में लंबे समय से साउथ वर्सेस बॉलीवुड की डिबेट चली आ रही है। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर पीयूष मिश्रा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स को सच का आईना दिखा दिया है। जी हां, एक मीडिया इंटरव्यू में पीयूष ने कहा कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, उनके पास ज्यादा IQ है और हमसे ज्यादा इनोवेटिव हैं वो लोग। आगे उन्होंने कहा कि ये हमारी फुलिशनेस है, यानी बेवकूफी है कि हम हमेशा से सेम फॉर्मूला पर काम करते आए हैं। अब आप पुष्पा को ही देख लीजिए, जिसमें काफी ज्यादा वायलेंस, एक्शन और फ्लैशी सीक्वेंसेस को ऑडियंस के सामने नए तरीके से पेश किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि मैंने हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म इंडियन 2 में डायरेक्टर एस शंकर के साथ काम किया है और कमल हासन सर की इस फिल्म में काम करके मैंने देखा कि कैसे एस शंकर ने इनोवेटिव तरीके से अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया है। बता दें कि इंडियन 2 फिल्म अभी प्रोडक्शन स्टेज में है और ये फिल्म 2023 में रिलीज होगी, जिसके बाद कमल हासन जी डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ विक्रम 2 पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही बॉलीवुड खबरों के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड नजर को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।